हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अब मौसम है बिल्कुल आज सुहाना और मैं भी रेडी हूँ। आज हम जाएंगे केमिकल ग्राउंड, कोटद्वार में ही है। और जैसा आपको पता है आजकल उत्तराखंड में पुलिस की भर्ती आई है, तो यहाँ के बिल्कुल बच्चे पागल हो चुके हैं और फुल तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे यहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं केमिकल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया हूँ और ये अपनी धन्नू बिल्कुल रेडी है और मैं अभी बैठ गया हूँ यहाँ पर। अभी पहले हम अंकित को लेंगे, तगड़े आए अपना, उसी के साथ जाते हैं, मिलते हैं तब उसके घर पे। पहुँच गए हम तगड़े के घर में, ये पीछे वाला घर उसका ही है और पता नहीं कहाँ है ये और उसका इतना ना पता। ये देखिए, गौर से देखिए इस शख्स को, इसी शख्स के साथ जाना है हमें, कुछ ढूंढ रहा अभी है। देख ही लिया होगा आपने, इसी शख्स के साथ जाना है, इसी को लेके जाना है। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं तो केमिकल में कम लोग हैं बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह 4 बजे करीबन और शाम को आते हैं और हम अलग ही टाइम पाते हैं, क्योंकि हमारे हाथी भाई आप देख ही रहे हो, इनका अलग ही टाइम है, क्योंकि मिल्खा सिंह के भाई हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं ना, तो इनको कोई लोग देख ना ले, डर ना ले, और यहाँ गड्ढे हो जाते हैं जब ये दौड़ते हैं ट्रैक में, तो ज़रा हमें अलग से आना पड़ता है जब लोग कम रहे यहाँ। और केमिकल में यहाँ पे एक कमरा भी है जहाँ पे हम रेस्ट भी कर सकते हैं और जिसको चेंज वगैरह भी करना है वो यहाँ कर सकता है। ग्राउंड में तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो अंदर आप यहाँ रह सकते हो थोड़ी देर। ये देखिए, वो चीते से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, इतना भयंकर रेशर है, क्या बोले, पूरे कोटद्वार में शायद ही कोई होगा या पूरी दुनिया में ही शायद कोई होगा। ये देखिए, और अब इतना भयंकर रनिंग करेंगे वो, सोच नहीं सकते आप। समझ गया मैं इसका लॉजिक, समझ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।